हेलो गाइस, कैसे हैं सब? आज हमारा ये ऑफिशियल फर्स्ट व्लॉग है और होपफुली वोटिंग भी करें। वोटिंग करनी है बढ़िया? हाँ, कर लेते हैं। तो गाइस यार, हम इस टाइम आए हुए हैं कॉफी बीन एंड टी लीफ में। हेलो गाइस, कैसे हैं सब? आज हमारा ये ऑफिशियल फर्स्ट व्लॉग है और इस टाइम आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक जंगल है, और इफ़ यू गो बैक साइड तो वो आपको केट नज़र आ रहा है, वो आपको शिमला पहाड़ी नज़र आ रही है। सो और वहाँ पे आपको नज़र आएगा एक मतलब बीच कह लें या सी व्यू कह लें उस साइड पे। तो और या तुम कख्त वाला हाइट वही छोटी ऊँचे हुए। हाँ, से हाय। हाय गाइस, कैसे हैं सब? ऊँची होगी मैं। इसके साथ दरख्त भी है यहाँ पे, वो देखें। वो आपने कभी जिंदगी में इतना छोटा दरख्त नहीं देखा होगा, ठीक है? अगर मैं साथ खड़ा करूँ फिर भी थोड़ा सा लंबा ही होगा। लेकिन गाइस, इस टाइम बहुत तेज़ किस्म की जो है ना वो यहाँ पे बारिश हो रही थी अभी, और बड़ी मज़े की हवा चल रही है, और आई थिंक सर्दी जाने वाली है। तो वी आर एंजॉइंग, और यही मज़ा होता है इस टाइम निकलने का। और ये प्लेस कौन सी है ये आप कमेंट में गैस करके मुझे बताइएगा, लेकिन ये हम लाहौर में हैं, आपको इतना आइडिया दे देते हैं। हम फर्स्ट टाइम व्लॉग कर रहे हैं, बताइएगा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, और आज के व्लॉग में ऐसा अच्छा बिटता शायद ना कंटेंट डालें, बट ये है कि अभी हैंग आउट अलॉट और काफ़ी हम एडवेंचर्स करते रहते हैं। तो दे दो अपना, हम है कौन? कौन है वो आज? भाई मैं आई एस आई जेंटू और ये रॉक ही जेंट है, ठीक है? और हम मिले पहला रुईला होगी बंद करा हो गया। नहीं, माया आई लव माय आर्मी, और कहते हैं ऐसा मसला नहीं होने वाला। लेकिन खैर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पहले व्लॉग में? कुछ भी नहीं, बस सपोर्ट करना है और बताना है कि करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, बस पहले इतना बताना है। बस इतना ही बताना है? हाँ। और कुछ नहीं पूछना? फिर जो कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। हाँ चलो ठीक है। वैसे हमारी काफ़ी हम बनाते रहते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हम पब्लिक जा रहे हैं, इन सेंस के लेट्स सी, क्योंकि पर्सनल प्राइवेट लाइफ का बड़ा इशू होता है। लेकिन वी थिंक वी शुड एक्सपोज आवर सेल्फ टू बी अ गुड एग्जांपल इन अ सोसाइटी, क्योंकि हम बुरी चीज़ें काफ़ी दिखाते हैं, और अच्छी चीज़ें दिखाना, अच्छे रिलेशंस दिखाना, अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करना, ये भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, स्पेशली इन हालात में जब पाकिस्तान जो है वो इस टाइम बड़े मुश्किल हालात में है और डिप्रेशन का माहौल है। सो आई थिंक अगर हम स्माइल करेंगे तो आपको भी स्माइल करवाएंगे साथ साथ, और इंजॉय करेंगे। हम नेचर के बड़े लवर्स हैं और अक्सर हम ऐसी जगहों पे ही पाए जाते हैं। अगर आपने सपोर्ट किया तो मैं बिहाइंड द सीन्स भी डालूंगी। ना 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 भाई। डालूंगी। सो ओके, तो गाइस हमने इससे पहले एक क्लिप बनाया था जब हम इधर आ रहे थे, और वो बड़ा मज़े का था, बारिश हो रही थी और पाकिस्तानी फ्लैग था वहाँ पे, एंड आई लव दिस प्लेस बेसिकली। और ये है कि आप भी बताएं आपका दिन कैसा गुजरा है और आज आपने कैसा इन्जॉय किया है। सो आगे क्या प्लान है हमारा आज का? देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो क्या प्लान है? मैं तो सोच रही हूँ शॉपिंग पे चलते हैं। इसके अलावा कोई प्लान नहीं हो सकता। कौन सी शॉपिंग? आपकी? मेरी शॉपिंग? ठीक है गाइस, ये हमने अगर हम शॉपिंग में गए और अगर इस बंदे की कुछ पसंद आ गया तो मैं भी ले लूंगी थोड़ा 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 ठीक 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 है, बिल्कुल सही। अब ये शॉपिंग करके बताएंगे किसको किसने किसको लेके दिया। कहाँ जाना शॉपिंग के लिए? ये थोड़ी ना बताते होते ये नहीं बताते होते कहाँ जाना होता है। नाम नहीं लेते होते। ओके ओके, अच्छा जी, अच्छा मतलब पहले व्लॉग में स्पॉन्सर भी आ गया। ठीक यार, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर किसी मॉल्स ने या किसी शॉप ने अगर हमें स्पॉन्सर किया तो हम तब नाम ले लेंगे, अदरवाइज हम नाम नहीं लेंगे। हमारे मिलियंस एंड बिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं और वी डोंट वांट। हो जाएंगे,
हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ गाइस आप सपोर्ट करें, और अगर हो गए तो फिर हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और डेफिनेटली वैसे भी हम करते ही रहते हैं अपने सर्कल में। सो होप फॉर दी गुड डे, और लेट्स मूव ऑन, शायद आखिरी वीडियो आज। हेलो गाइस, यार ये देखो यार कितना मज़े का सीन है। पहले हमने फाख्ता वगैरह देखी थी, और इस मौसम में ये बहुत कमाल के इनका जो एक होता है सीन यहाँ पे, कि ये बड़ी लाइन बना के चलती हैं, वो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट सा मिला हुआ है। एंड होप वी बोटिंग भी करें। बोटिंग करनी है बढ़िया? हाँ कर लेते हैं, कर लोगे सही से? ठीक है यार, वेट डिसबैलेंस हो जाए ना। हाँ नहीं नहीं होता नहीं। ओके सो गाइस, यहाँ पे मज़े का सीन होने वाला है, और ओके बोटिंग बोटिंग करें या ना करें यार? कर लें बोटिंग। हाँ कर लोगी? ये पिंक तुमने क्यों पहने हुए वैसे आज? हम वॉक करने आए थे, बारिश ने करने नहीं। कभी तुझे मैं उतरूं जो सब तुझे मैं उतरूं जो सब की बोले तुझे ही तो ढूंढे मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पूरी हो पूरी तुझे से। तो गाइस यार हम इस टाइम आए हुए हैं कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ में, और यकीन करें यार यहाँ पे तकरीबन कितनी देर लगी हमें? आधा घंटा सिर्फ पार्किंग ढूंढने सिर्फ पार्किंग ढूंढने में आधा घंटा यार, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग लगी नहीं हुई, और एक गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी, तो डर लग रहा था कि अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो कोई मार ही ना जाए। हाँ तो अभी हमने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या होटल खुलना है, तो हमने जो है ना कहते हैं वैसे मुझे कैपिचुनो पसंद है, तो मैंने कैपिचुनो ऑर्डर किया एज यूजुअल, क्योंकि सबसे पहले कोई चीज़ ट्राई करनी है तो सबसे पहले आई डू रिकमेंड कि आप कैपिचुनो करें हॉट कॉफ़ी में। और मरीन तुमने क्या किया ऑर्डर? मैंने क्या किया, बेल्जियन चॉकलेट आइस। बेल्जियन चॉकलेट आइस, ओके। तो आई थिंक आइस कॉफ़ी है, लेट्स ट्राई कि ये कैसी होगी। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई, और फिर बताते हैं आपको ये कैसी है। बाकी वाइब वाइज ये जगह बहुत अच्छी है, और यहाँ पे मतलब इनका स्टार को करना पार्किंग मुश्किल है। तुमने पार्किंग आई है? तो वो घंटे से कह रहा था कि वहाँ लगा दो, लेकिन आप लगाना ही नहीं। यार एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या थी, वो सामने आप देखो वहाँ पे गाड़ी लगी हुई है एक, और वो पहले से बिचारी ठुकी हुई थी पीछे से, तो मुझे लग रहा था इसके पीछे हम गाड़ी लगा रहे थे, मुझे लगा था यार वो ये ना वो आए। हाँ वो आगे के वजन वजन ये वो आगे मार के चला गया। हाँ तो हमारा ऑर्डर आ गया। सो सबसे पहले यार तुम ट्राई बताओ क्या इसके वजन के इंप्रेशन लेते हैं, क्या इंप्रेशन आते हैं। अच्छा यार मेरा, मैं उसे कह रहा था यार ये मेरा स्मॉल भी हुआ है, लेकिन मैं उसे पूछ रहा था मैंने कहा ये स्मॉल अगर इतना है तो फिर बिग क्या होगा, वो कुछ पूरी मेरे ख्याल से देखी होती होगी। तो यार आई थिंक इसका टेस्ट मैं आपको बता दूंगा बाद में कैसा है, लेकिन मुझे वैसे स्मेल में तो अच्छा लग रहा है। तुम सूंघ के बताओ, ओके सो लेट मी ट्राई और फिर बताता हूँ टेस्ट कैसा है। वैसे वो ओके, 10 आउट ऑफ 10 कितना है इसका?
तक 8 नंबर मिल गया, आई थिंक इसका भी 80 होगा यार। हाँ तो यार इस टाइम हम आए हुए हैं लेयर्स में, बेसिकली हमारी एक दावत थी, आज कॉल आ गई, हमारे काफ़ी जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा यार आज साग बनाया हुआ है तो आपको आके खाना पड़ेगा, तो हमने कहा चलो उनके लिए कुछ लेते हुए चलते हैं। तो यार लेयर्स ये फेवरेट जगह है हमारी, एंड देन वी डिसाइडेड कि यहाँ पे से कुछ हम बेकरी वगैरह लें। तो ये जो मेरी भुतरमा है ये पहुँची हुई हैं, और सबसे मुश्किल काम है डिसाइड करना है क्या चीज़ लेनी है, राइट। और हमेशा मेरा सीन ये होता है कि जब कुछ समझ ना आ रही हो तो इफ़ यू वांट टू ईट अ केक सो हमें क्या चाहिए कि हमें पहले इसकी पेस्ट्री ट्राई कर लेनी चाहिए। सो आई थिंक वो यही डिसाइड हो रहा होगा, सो लेट्स सी, लेट्स गो ऑन। और सो गाइस यार 10 मिनट हो गए हैं मेरे ख्याल से इसको, हमारी मुतरमा को जो है ना वो डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उसने लेयर से लेना क्या है। सो वो देखो यार अभी तक वो बेचारी सोच ही रही है कि उसे क्या लेना है। एक काम करते हैं, एक निकिया काम करते हैं और जाके हम उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो मैं आपको साथ ले जा पाऊँगा, बट लेट डिसाइड कि क्या लेते हैं इसमें, ओके। और हज़ार सदियाँ गुजरने के बाद सो गाइज फाइनली आफ्टर मैनी मैनी इंटरनेटी लेटर्स डिसाइड कर लिए क्या लेना था। क्या लिख रही हो तुम? मैं लिख रही हूँ बेल्जियन या बेल्जियम, आई डोंट नो क्या है, लेकिन एक है न्यूटेला ब्राउनी और एक बेल्जियम माल्ट है। अभी मैं थोड़ा सा खा लेते हैं, पता नहीं लगेगा हैं गंदी हरकतें नहीं करते यार बंदा, एक एक्स्ट्रा ही ले, एक्स्ट्रा कोई नहीं लेकर आई तुम। अभी हम जो पी रहे हैं ना वो आपकी कड़वी कॉफी और मेरी मीठी कॉफी, उसके बाद नहीं खाते, बहुत हैवी हो जाना था। चलो चलो उन सकेंगे यार थोड़ा सा, जब खाएंगे ना तो अभी खा लेते हैं, थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करवा दूं। आप कहना मैं रिकॉर्डिंग करूंगी, आप नहीं कहना, तुम मुझे मना करना, ठीक है। कहना कि फिर तुम कहना कि इनको मीठे का बड़ा शौक ही हो गया, चलो थोड़ा सा ले ही हैं हैं, वरना मुझे आगे रुकना पड़ेगा। ना 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 मजाक करो, मजाक क्या पता कि वो वीडियो देख रहे हेलो गाइस, तो जैसे मैंने कहा था कि जो शॉपिंग है वो क्या कहते हैं आउटफिटर से ये जनाब जी ने कर ली है। बढ़िया, क्या क्या शॉपिंग की है तुमने दिखाओ यार। दो दो बैग्स फुल भरे हुए हैं, वो देखो पाँच बाग ही नहीं यार। लड़की का मूवमेंट आवे इसलिए क्योंकि इसको जो है ना वो नहीं मिल सका, ब्लैक पेंट नहीं मिल सकी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी मुझे वो मिल गया। क्या मिल गया? ये सब कुछ पहनोगे भी तभी जब मुझे लेके दोगे, मैं नहीं मुझे टीम देखते हैं, अभी इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या बनता है। गाइस यार चल चल के थक गए हैं, अब भूख लग गई है, और अब मरियम तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा है वैसे, क्यों लग रहा है मुझे इतनी शॉपिंग के लिए मूड क्यों ठीक तुम्हारा? असल में इसका मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि इन जनाब का जो है ना वो शॉपिंग करने गए थे इसकी, और वो शॉपिंग गई मेरी क्योंकि ट्राउज़र एक पसंद आ गए थे, पूरा सेट था, तो और ऐसी चीज़ें हम छोड़ते नहीं होते। सो मरियम तुम भी पहन सकती हो, एक दिन तुम पहन लो, एक दिन मैं पहन लूँगा, ठीक है, सही है। तो यार तुम आधा पहन लेना, आधा पहन लेना, ठीक है। तो यार मेरी तस्वीर ही खेल दो, पकड़ लो। गाइस आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे रश होता है पहले आज बढ़िया और कॉन्फिडेंस, इसी तरह से कॉन्फिडेंस जो है ना आज नहीं निकाल सकते हमने बहुत ज़्यादा निकाला पहले दिन का, बहुत मुश्किल कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी आवाम है वो मुड़ के देखती है, इस्तकामत देता रहे और हम बनाते रहे, तो लेट्स सी, अल्लाह हाफिज़, बाय कर दो। और वो सब्सक्राइब वाला, हाँ हमारे चैनल को